वेलकम टू साइबर ऑन डिमांड चैनल। आज की वीडियो का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क मैनेजमेंट, कि अपने नेटवर्क को हम किस तरीके से मैनेज कर सकेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने दो प्रोटोकॉल करने हैं, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल LLDP प्रोटोकॉल, और उसको पैकेट ट्रेसर में कन्फिगर करना है। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। डिवाइस डिस्कवरी विद CDP से बनता है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। लेयर टू OSI लेयर, डाटा लिंक लेयर का ये प्रोटोकॉल है जो इंफॉर्मेशन गैदर करता है जो उसके साथ डिवाइसेस अटैच होती हैं। CDP इज अ मीडियम प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट एंड रन ऑन ऑल सिस्को डिवाइसेस। सिस्को का प्रोटोकॉल है, सिस्को की डिवाइसेस पे चलता है, और जो राउटर स्विचेस और एक्सेस सर्वर सिस्को के होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लाते हैं। ये प्रोडिकली CDP एडवर्टाइजमेंट करता है अपनी डिवाइसेस के साथ, और उस डिवाइसेस को डिस्कवर करता है, उसके मॉडल नंबर, उसका नंबर, टाइप और इंटरफेसेस जो है वो सारी इंफॉर्मेशन लेके आता है। बाय डिफॉल्ट CDP अनेबल होता है, वेरीफाई करने के लिए आप शो CDP की कमांड देते हैं। तो साथ साथ हम इसका प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं पैकेट ट्रेसर में। ये एक टोपोलॉजी है जिसमें दो राउटर्स हैं, वो आपस में कनेक्ट हैं, इधर स्विच कनेक्ट है, स्विच के साथ PC और लैपटॉप कनेक्ट है, और यहाँ पर हम इसकी CLI में जाते हैं और ये कमांड देते हैं शो CDP। तो मैं प्रिविलेज मोड में अनेबल करता हूँ, प्रिविलेज मोड में जाता हूँ और यहाँ कमांड देता हूँ शो और CDP। और इससे आगे आप क्वेश्चन मार्क दें तो इसकी ऑप्शंस भी आ जाती है, एंट्री है, इंटरफेस है और नेबर्स है। शो CDP हम खाली करता हूँ तो वो मुझे बता देता है कि ग्लोबल CDP इंफॉर्मेशन है, ये हर 60 सेकेंड बाद CDP पैकेट भेजेगा, और अगर उसको CDP पैकेट रिसीव नहीं होगा तो 180 जो है वो होल्ड डाउन टाइम है, और CDP वर्जन 2 एडवर्टाइजमेंट अनएबल है। ठीक है, अब दोबारा शो CDP करें क्वेश्चन मार्क दे तो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले एंट्री है, इंटरफेस है, नेबल है, इन तीनों को वन बाय वन देते हैं। सबसे पहले मैं जो है वो एंट्री की देता हूँ यहाँ पर, कि शो CDP एंट्री। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन लेके आया कि इनकम्प्लीट कमांड। तो एंट्री के बाद फिर क्वेश्चन मार्क करते हैं तो वो कहता है स्टेरिक दे दे, इसमें जितने भी उसके नेबर्स होंगे उन सब की एंट्री ले आएगा, या वर्ड लिख दे नेबर के लिए। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्टेरिक के सब की एंट्री लेकर आए। तो अब पहली एंट्री लेकर आया है, वो उसके साथ कनेक्ट है राउटर, और वो है राउटर R2। उसका IP एड्रेस है 192.168.1.2। उसका जो प्लेटफॉर्म है सिस्को C1900 कैपेबिलिटी वो राउटर है, और ये वाली इंटरफेस उसके साथ कनेक्टेड है 0/0 के साथ, और होल्ड डाउन टाइम 140, यानी 140 सेकंड के बाद दोबारा CDP पैकेट उसको आएगा। उसके बाद आ जाता है वर्जन, और मैं स्पेस बार दबाता हूँ तो वर्जन भी बता देता है कि C1900 सॉफ्टवेयर है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है यूनिवर्सल K9-M, वर्जन इतना इतना इतना, और एडवर्टाइजमेंट वर्जन जो है उसका 2 है, और फुल डुप्लेक्स में सेम टाइम सेंड और सेम टाइम रन जो है रिसीव वो कर रहे हैं। तो ये तमाम जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी उसने अपने 7 राउटर्स की मुझे यहाँ पे कर दी। मैं दोबारा कमांड देता हूँ शो CDP, और दोबारा क्वेश्चन मार्क देता हूँ। अब मैं इंटरफेस देता हूँ और इसके बाद क्वेश्चन मार्क देता हूँ, तो वो कहता है कौन सी इंटरफेस, ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट, कौन सी इंटरफेस की आपको चाहिए इंफॉर्मेशन। तो मैं दे देता हूँ गीगाबिट ईथरनेट और 0/0। तो यहाँ पर उसने दे दिया है कि गीगाबिट अप है, लाइन प्रोटोकॉल भी अप है, और सेंडिंग CDP पैकेट हर 60 सेकंड के बाद CDP पैकेट है, और 180 सेकंड के बाद दोबारा CDP का पैकेट जो है वो सेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर खाली शो CDP इंटरफेस दे दूँ तो यहाँ पर वो तमाम इंटरफेस का जो है वो मुझे यहाँ पर बता रहा है कि उस पर पैकेट वो जो है वो भेज रहे। नेक्स्ट करता हूँ शो CDP के बाद क्वेश्चन मार्क नेबर, कि उसके जो नेबर हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेकर आए। तो इसकी नेबर में एक स्विच है और एक R2 का राउटर है। स्विच इस इंटरफेस से कनेक्ट है, होल्ड डाउन टाइम 135 है, कैपेबिलिटी एस स्विच है, उसका प्लेटफॉर्म है 2960, मॉडल नंबर और ये पोर्ट ID। इसी तरह R2 जो इस इंटरफेस के साथ कनेक्ट है, गीगाबिट 0/0, मॉडल है C1900। ये देख लें, यहाँ से ये स्विच कनेक्ट है और यहाँ पर ये दूसरा 1941 जो है वो राउटर कनेक्ट है। तो ये तो टोपोलॉजी मेरे सामने है, पैकेट ट्रेसर में मुझे नज़र आ रहा है मॉडल नंबर, और वैसे तो नज़र नहीं आएगा,
लेकिन आप इसको यहाँ पर इसके अंदर पैकेट ट्रेसर के अंदर आप शो सीडीपी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सीडीपी प्रोटोकॉल अनेबल होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा सिक्योरिटी रीज़न के लिए कि कोई बंदा इसकी इंफॉर्मेशन ना ले सके साथ वाले मॉडल की, या कोई और हैकर्स या कोई और अटैकर इंफॉर्मेशन ना ले सके, तो इस सीडीपी रंग को हम ट्रबल शूटिंग के बाद या इंफॉर्मेशन लेने के बाद बंद भी कर देते हैं। वो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िगर, और यहाँ पर जाएंगे टर्मिनल और यहाँ लिखेंगे नो सीडीपी रन, तो अब ये सीडीपी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं शो सीडीपी, तो वहाँ पे उसने मुझे मैसेज दे दिया है कि सीडीपी इस पे अनेबल नहीं है। अब मैं अपने डायरेक्टली कोई बंदा भी डायरेक्टली कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता, इसलिए कि अटैक के दौरान, हैकिंग के दौरान फर्स्ट स्टेप ही यही होता है कि आप उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो ले अपने साथ डिवाइसेस पे, उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा मॉडल है, किस इंटरफेस के साथ कनेक्ट है। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए अब मैंने सीडीपी को बंद कर दिया, नो सीडीपी रन, और दोबारा अनेबल करना होगा तो दोबारा मोड में जाएं, कॉन्फ़िगर, टर्मिनल, और यहाँ पर लिखें सीडीपी रन, तो ये अब रन हो गया। अब यहाँ पर लिखता हूँ शो सीडीपी, तो ये रन है। तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं और इस तरीके से उसको ऑफ कर सकते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, और अगला प्रोटोकॉल करते हैं वो है LLDP। LLDP से बनता है लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये वेंडर न्यूट्रल है, इसमें लाजमी नहीं कि सारे ही डिवाइसेस सिस्को की हों, और ये तमाम डिवाइसेस के साथ राउटर, स्विचेस, वायरलेस लैन, एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल सब के साथ काम करता है, और ये भी लेयर 2 का एक प्रोटोकॉल है। LLDP ओपन है। इसको रन करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, वहाँ लिखना पड़ेगा LLDP रन, और इंटरफेस में जाकर आपको लिखना कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई LLDP। LLDP में भी अनेबल बाय डिफ़ॉल्ट, अनेबल LLDP ग्लोबली ऑन सिस्को नेटवर्क डिवाइसेस, इंटर LLDP रन कमांड इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, और अगर उसको डिसेबल करना है तो आप लिखेंगे नो LLDP रन की कमांड देंगे, और शो LLDP करेंगे तो वो आपको तमाम ऑप्शन वगैरह दे देगा। तो इसका भी प्रैक्टिकल करते हैं, जाके इसको अनेबल करते हैं पैकेट ट्रेसर में और देखते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि LLDP इज नॉट अनेबल, तो इसको अनेबल करते हैं, कॉन्फ़िगर, टर्मिनल, और यहाँ पे करते हैं LLDP, तो ये LLDP रन हो गया। इसको इंटरफेस में भी अनेबल कर देते हैं, पहले 0/0 पे ट्रांसमिट और LLDP रिसीव, दोनों ट्रांसमिट भी करे और रिसीव भी करे। इसको फिर तमाम इंटरफेस पे आपको ये देना पड़ेगा। इसकी दूसरी इंटरफेस में जाते हैं राउटर की 0/1, यहाँ पे भी आपको राउटर की तमाम इंटरफेस में LLDP ट्रांसमिट और LLDP रिसीव, ये तमाम इंटरफेस में देना पड़ेगा, और टोपोलॉजी के दूसरी तरफ इन राउटर्स पे भी LLDP को ऑन करना पड़ेगा। LLDP रन, इंटरफेस LLDP रिसीव, LLDP ट्रांसमिट, तो ये तमाम इंटरफेसिस पे, इस इंटरफेसिस पे, इस पे तमाम इंटरफेसिस पे आपको उसको ट्रांसमिट और रिसीव कराना पड़ेगा। अब जाते हैं उसको कमांड शो LLDP करने के लिए, और कंट्रोल जी करता हूँ, प्रिविलेज मोड में आ जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ शो LLDP और क्वेश्चन मार्क देता हूँ क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है। तो नेबर की ऑप्शंस मौजूद है, तो यहाँ पर नेबर बता दिया LLDP ने, R2 गीगाबिट 0/0, होल्ड ऑन टाइम 120, और राउटर है, और ये गीगाबिट 0/0 है। अब दो प्रोटोकॉल हमने पढ़ लिए, प्रैक्टिकल कन्फिगर कर लिया, एक LLDP और दूसरा CDP, दोनों का फ़र्क ये है कि CDP जो है वो सिस्को के राउटर और स्विचेस पे चलता है, और LLDP जो है वो ओपन सोर्स है, न्यूट्रल है, वेंडर न्यूट्रल है,
वो जितनी भी डिवाइसेस होंगी उनके ऊपर जो है वो रन हो सकता है। और सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप इसको इंफॉर्मेशन लेने के बाद नो LLDP कर लें, और सिक्योरिटी के लिए आप इसको डिसेबल कर दें। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो नेटवर्क मैनेजमेंट पे। आगे चल के और टूल करेंगे, इसको लाइक भी करें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।